दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हज़रत निज़ामुद्दीन जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में, जिसका नंबर है 2282 ये ट्रेन दिल्ली से चलकर जबलपुर तक आती है। हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली का ही एक स्टेशन है, जैसे कि आनंद विहार टर्मिनल्स, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, हज़रत निज़ामुद्दीन। तो दोस्तों हम ये समझेंगे कि यह ट्रेन दिल्ली से चलकर जबलपुर आपको छोड़ती है। इस वीडियो से पहले मैंने आपको बताया था जबलपुर से चलकर हज़रत निज़ामुद्दीन जाने वाली 2182 के बारे में। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है और उस ट्रेन की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप जाकर उस ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम दिल्ली से चलकर निज़ामुद्दीन आने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें लगे हुए डिब्बों के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें कुल कितने डिब्बे होते हैं और कौन सी कोच किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों अगर हम शयनयान यानी कि स्लीपर क्लास की बात करें, जिसमें बिना एसी के डिब्बे होते हैं, जिसमें सोने के उचित व्यवस्था होती है, तो वो कुल इसमें 11 डिब्बे लगे होते हैं। S1, S2 से लेकर S11 तक आप देख सकते हैं, फ़ोटो में दिखाया गया है। 4 डिब्बे तृतीय श्रेणी यानी कि थर्ड एसी के होते हैं, 2 डिब्बे सेकेंड एसी के और 1 डिब्बा फर्स्ट एसी का होता है। शुरू में 2 डिब्बे जनरल क्लास और अंतिम में 2 डिब्बे जनरल क्लास, यानी कि 4 डिब्बे कुल टोटल जनरल क्लास के होते हैं। दोस्तों इस ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। पेंट्री कार वह डिब्बा होता है जिसमें यात्रियों के लिए खाना बनाया जाता है। इस ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा इसीलिए उपलब्ध नहीं कराई गई है क्योंकि यह कम दूरी की ट्रेन है, इसीलिए इसमें पेंट्री कार की सुविधा नहीं है। दोस्तों रेलवे यात्रियों की सुविधाओं के अनुसार डिब्बों की संख्या घटा या बढ़ा सकता है, यह रेलवे को अधिकार है। अब इस ट्रेन की रेटिंग की बात कर लेते हैं। दोस्तों इसको 57 वोट मिले हुए हैं। 57 वोट में अगर इसको रेटिंग मिलती है तो वो 4 पॉइंट की रेटिंग है, जो काफ़ी हद तक अच्छी है। दोस्तों अगर इसमें सफाई आदि, टिकट अवेलेबल आदि की बारे में बात की जाए, तो कुल मिला जुला कर ओवरऑल 4 पॉइंट की रेटिंग इसकी बनती है, जो लगभग ठीक ठाक है। दोस्तों यह ट्रेन दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से चलकर जबलपुर आने में कुल 14 घंटे 30 मिनट का समय लेती है, जिसमें यह 13 प्रमुख स्टेशनों पर रुकती है। वैसे तो हज़रत निज़ामुद्दीन और जबलपुर के बीच बहुत सारे स्टेशन आते हैं, पर इसका स्टॉपेज मात्र 13 स्टेशनों पर ही है। दिल्ली से चलकर यह जबलपुर आने में 904 किलोमीटर की दूरी तय करती है और अगर इसकी एवरेज स्पीड की बात की जाए तो एवरेज स्पीड इसकी 62 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, क्योंकि ये एक सुपर फास्ट ट्रेन है, इसीलिए इसकी एवरेज स्पीड अच्छी है। दोस्तों ये हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से रोज़ यानी कि प्रतिदिन डेली शाम को 5:50 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 से चलती है और अगले दिन सुबह जबलपुर सुबह 8:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आपको छोड़ेगी। दोस्तों अब इस ट्रेन के बारे में संपूर्ण और विस्तृत जानकारी अपन प्राप्त करेंगे कि यह ट्रेन कौन कौन से स्टेशनों पर कितने समय के लिए रुकती है और उन स्टेशनों पे इस ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर क्या रहता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको इस ट्रेन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट इसका हज़रत निज़ामुद्दीन है। हज़रत निज़ामुद्दीन से यह शाम को 5:50 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 से चलती है। इसके पश्चात इसका जो अगला स्टॉपेज होता है वो मथुरा जंक्शन होता है। मथुरा जंक्शन यह शाम को 7:35 पर पहुंचती है और 2 मिनट का यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है, 2 मिनट रुकती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। इसके पश्चात इसका अगला स्टेशन आगरा कैंट होता है। आगरा कैंट यह रात को 8:28 पर पहुंचती है और 8:30 पर आगे रवाना हो जाती है, यानी कि इसका 2 मिनट का स्टॉपेज यहाँ रहता है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। आगरा कैंट के पश्चात इसका अगला जो स्टॉपेज रहता है वो ग्वालियर जंक्शन होता है। ग्वालियर जंक्शन यह रात के 10:23 पर पहुंचती है और ग्वालियर में इसका जो स्टॉपेज होता है वो 5 मिनट का रहता है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। इसके पश्चात इसका जो अगला स्टॉपेज है वो झांसी जंक्शन है। झांसी जंक्शन रात को 11:52 पर यह ट्रेन पहुंचती है, 10 मिनट का इसका स्टॉपेज झांसी में रहता है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। इसके पश्चात इसका जो अगला स्टॉपेज है वो ललितपुर रहता है।
ललितपुर ये रात को 1:04 पर पहुंचती है, जहां पर इसका स्टॉपेज 2 मिनट का रहता है। ललितपुर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आपको मिलती है। इसके पश्चात इसका जो अगला स्टॉपेज रहता है वो बीना मालखेड़ी होता है। बीना मालखेड़ी में ये रात को 2:34 पर पहुंचती है, वहां पर इसका जो स्टॉपेज है वो 2 मिनट का रहता है दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। बीना मालखेड़ी के पश्चात जो इसका अगला स्टेशन होता है, स्टॉपिंग होता है, स्टॉपिंग पॉइंट या स्टॉपिंग स्टेशन मान लीजिए, वो खुरई होता है। खुरई में रात को 2:53 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 2 मिनट रुकने के पश्चात आगे बढ़ जाती है। इसके पश्चात जो इसका अगला स्टॉपिंग पॉइंट होता है वो सागर होता है। सागर में यह 3:40 रात का समय जो होता है उस समय पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। मात्र 5 मिनट का यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके पश्चात जो इसका अगला स्टेशन रहता है रुकने का वो पथरिया होता है। पथरिया में यह ट्रेन सुबह 4:26 पर आती है दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और मात्र 2 मिनट का यहाँ भी इसका स्टॉपिंग रहता है, टाइम रहता है। अगला जो इसका स्टॉपिंग पॉइंट या स्टॉपिंग स्टेशन है वो दमोह। दमोह में सुबह 4:53 पर आती है, 2 मिनट यहाँ रुकती है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। इसके पश्चात इसका जो अगला स्टॉपिंग स्टेशन रहता है वो बांदकपुर रहता है। बांदकपुर सुबह 5:10 पर यह पहुँचती है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। मात्र 2 मिनट के लिए बांदकपुर में इसका रुकने का समय रहता है। इसके पश्चात इसका जो अगला स्टेशन है वो होता है कटनी मुड़वारा। कटनी मुड़वारा सुबह 6:40 पर यह ट्रेन पहुंचती है, 5 मिनट के लिए कटनी मुड़वारा में रुकती है। कटनी मुड़वारा में इसका कोई निश्चित प्लेटफॉर्म नहीं है, इसीलिए यहाँ कुछ नहीं दिया गया है। इसके पश्चात इसका जो अगला स्टॉपिंग स्टेशन होता है वो सिहोरा रोड होता है। सिहोरा रोड ये सुबह 7:20 पर आती है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। 2 मिनट का स्टॉपिंग सिहोरा रोड में रहता है। इसके पश्चात यह ट्रेन जबलपुर के लिए बढ़ जाती है। जबलपुर यह ट्रेन सुबह 8:20 पर पहुंचती है, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। तो दोस्तों यह जानकारी थी हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर जबलपुर आने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। कभी कभी प्लेटफॉर्म पर अन्य ट्रेनों के खड़े होने के कारण जो आने वाली ट्रेन रहती है उन ट्रेनों का प्लेटफॉर्म नंबर चेंज करना पड़ जाता है, तो वो रेलवे स्टेशन की परिस्थिति के अनुसार ये प्लेटफॉर्म चेंज भी हो सकते हैं। और रेलवे का जो टाइम टेबल है वो तो अभी फ़िलहाल इस ट्रेन का यही है, आगे हो सकता है कि चेंज हो जाए। दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको उत्तर भारत की और प्रमुख ट्रेनों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें खूब सारा। धन्यवाद।